माँ, माँ एक छोटा शब्द है, परंतु अपने आप में एक संपूर्ण शब्द, एक संपूर्ण दुनिया है। आज जो भी औरत, जो भी महिला इस गर्भावस्था के संपूर्ण समय से गुजरती है, उसके लिए हर एक घड़ी, हर एक समय, हर एक दिन, हर एक महीना बहुत ज़रूरी होता है। और हर दिन वो यही अपने दिमाग में सोच लाती है कि बच्चा जो मेरे कोख में पल रहा है वो बिल्कुल स्वस्थ हो और बहुत अच्छा हो। आज के ज़माने में जब हम सोनोग्राफीज़ के थ्रू महिलाओं को ये बताना चाहते हैं कि उनका बच्चा अच्छा है, स्वस्थ है, महिलाओं के दिमाग में सिर्फ एक ही समस्या रहती है कि इतनी सोनोग्राफीज़ हमारे डॉक्टर हमें एडवाइस कर रहे हैं तो क्या हमें करवानी चाहिए। नमस्ते, मेरा नाम है डॉक्टर निशु जैन। मैं स्त्री रोग एवं प्रसूति विशेषज्ञ हूँ। आज के इस वीडियो में मैं आपके सामने एक बहुत सिंपल, एक बहुत आसान सी बात शेयर करना चाहती हूँ। आज जब 9 महीने एक माँ अपने बच्चे को पेट में एक छोटे से अंश के फॉर्म में लेकर आती है और हर महीने दर महीने उसे बड़ा करती है, तो उसके पीछे उसकी कितनी मेहनत, उसका कितना पेशेंस लेवल उसमें इन्वॉल्व रहता है। ऐसे में एक स्त्री रोग एवं प्रसूति विशेषज्ञ होने के नाते हम सभी चिकित्सकों का सिर्फ एक ही उद्देश्य रहता है कि कैसे इन 9 महीनों में उस माँ को ये सांत्वना दी जाए और हर बार ये विश्वास दिलाया जाए कि उनकी प्रेगनेंसी यानी उनकी गर्भावस्था और उनका बच्चा बिल्कुल नॉर्मल है। आज के ज़माने में जब हमारे पास आधुनिक टेक्नोलॉजी है, तो हम उस चीज़ का उपयोग क्यों नहीं करें? बहुत सारी महिलाएं मेरे ओपीडी में आती हैं और मुझसे एक ही सवाल पूछती हैं, मैडम हमारे बड़े बुज़ुर्ग हैं, वो हमसे कहते थे हमारे ज़माने में तो कोई सोनोग्राफी नहीं होती थी। तो क्या आपके डॉक्टर आपको अभी सोनोग्राफी के लिए सुझाव दे रहे हैं, तो क्या वो ज़रूरी है या महज उनके पैसे कमाने का तरीका है? पैसे कमाने के तरीकों से ऊपर उठने की बहुत ज़रूरत है, लोगों की ये मानसिकता बदलने की बहुत ज़रूरत है। पहले के ज़माने में जहाँ प्रेगनेंसी को, बच्चों को, औरतों को बहुत ध्यान नहीं दिया जाता था, बहुत नेगलेक्ट किया जाता था, परंतु आज के ज़माने में जहाँ हम पढ़े लिखे हैं, हम इस चीज़ को समझते हैं कि ये 9 महीने महिलाओं को ना केवल शारीरिक पर मानसिक रूप से पूरी तरीके से बदल के रख देते हैं। ऐसे में अगर हम किसी भी तरीके से उनके दिमाग के इस तनाव को कुछ कम कर सकें, उनकी चिंताओं को कुछ कम कर सकें, तो क्यों ना करें? सोनोग्राफी एक ऐसी तकनीक है जिसकी मदद से आपके गर्भ में पल रहे बच्चे को आप देख सकते हैं, उसके अंग उपांग की संपूर्ण जांच हो सकती है और यदि बच्चे में किसी भी प्रकार की त्रुटि या तकलीफ़ है या कोई एबनॉर्मैलिटी है, तो इस मशीन की मदद से आपको संपूर्ण जानकारी आपका डॉक्टर यानी आपकी गायनेकोलॉजिस्ट और जो सोनोग्राफी स्पेशलिस्ट हैं वो आपको इस बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करा सकते हैं। रही बात इस सोच की कि हम बार बार सोनोग्राफी करा रहे हैं तो उससे हमारे होने वाले बच्चे को कोई नुकसान तो नहीं, तो जी नहीं, आप अपने दिमाग से ये डर, ये चिंता बिल्कुल हटा सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आपका बच्चा आपके लिए जितना ज़रूरी है उतना इस दुनिया में किसी के लिए ज़रूरी नहीं होगा। जो आपके उसको लेकर इमोशंस हैं, जो आपको उसको लेकर चिंताएं हैं, जो एक माँ को हो सकती है वो किसी को नहीं हो सकती। और इस चीज़ को एक डॉक्टर होने के नाते हम बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। आज अगर आप रूटीन चेकअप के लिए अपने डॉक्टर के पास जाते हैं और अगर वो आपको सोनोग्राफी की सलाह या सुझाव देते हैं, तो ऐसे में आपको उनके पास उनकी इस जानकारी को ज़रूर अच्छे से सुनना चाहिए, समझना चाहिए और उसे मानना भी चाहिए, क्योंकि वो अल्टीमेटली आपके बच्चे के लिए और आपके लिए ही सही और बेहतरीन साबित होगा। आपके बच्चे में अगर ज़रा सी भी कोई तकलीफ़ डिटेक्ट होती है या पता चलती है सोनोग्राफी की मदद से, तो उसका किस प्रकार से आगे इलाज हो सकता है, बच्चा इस समस्या से जूझने के लिए तैयार है या नहीं है, आगे इसके बारे में और किस तरीके से पूरी प्रेगनेंसी में ध्यान रखा जा सकता है जिससे बच्चे को कम से कम नुकसान पहुंचे, ये सारी जानकारी सोनोग्राफी की मदद से आज हम जुटा सकते हैं और अपनी महिला मित्रों को इसके बारे में बता सकते हैं। अंत में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि
कि आपके घर में बड़े बूढ़ों की बात ज़रूर आप सुने, ज़रूर आप माने, परंतु पुराने ज़माने में होने वाली चीज़ों से बंध के मत रहिए। वक्त के साथ हमें आगे बढ़ना है, हमें बदलना है, और इसी चीज़ को अपने दिमाग में रखते हुए अपने डॉक्टर की बात ज़रूर सुने और पूरे 9 महीने में जिस भी समय सोनोग्राफी की ज़रूरत हो उस समय अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाके सोनोग्राफी ज़रूर कराएं। छोटे से वीडियो के ज़रिए हमने आपको सोनोग्राफी के बारे में छोटी जानकारी देने की कोशिश करी है कि किस तरीके से सोनोग्राफी आपकी प्रेगनेंसी में आपके लिए बहुत ज़रूरी है और आपके बच्चे को किसी भी प्रकार से कोई नुकसान नहीं पहुंचाती है। इसके अलावा गर्भावस्था से संबंधित कोई भी जानकारी के लिए आप कमेंट बॉक्स में अपने सवाल ज़रूर लिख सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पर हमें फ़ोन करके ज़रूर पूछ सकते हैं। थैंक यू।